बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लर्न करेंगे गोइंग टू, इसका यूज गोइंग टू, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे फ्यूचर टेंस जो है उसका इंप्रेशन देने के लिए, कि इसे हम फ्यूचर टेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे आई एम going to do something, I'm going to do something, इसका मतलब यह है कि मैंने decide कर लिया हुआ है, ठीक है, मैंने नियत कर ली हुई है कि मैंने ये करना है, ठीक है। तो it means कि आप present में खड़े हैं और आप इसको करना है, यहाँ पे आपने present में आपने इसकी decide कर लिया, नियत कर ली, ठीक है। तो काम कब होगा, आप अभी नहीं कर रहे, यू आर नॉट डूइंग नाउ, आप इसको फ्यूचर में करेंगे। आई एम गोइंग टू डू समथिंग, गोइंग टू डू, ये शो कर रहा है आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत, आप फ्यूचर में कुछ करेंगे, ठीक है। सो रादर देन डूइंग यूजिंग आई विल बी, हम उसकी जगह हमने गोइंग टू का यूज करके हमने फ्यूचर का जो है वो इम्प्रेशन दे दिया कि ये काम जो है वो होना है फ्यूचर में, ठीक है। तो ये जो going to have, I am going to buy some books tomorrow, I am going to buy some books tomorrow, मैंने अभी जो है वो intention show की, I am planning कि मैंने, मेरी ये नियत है, ठीक है, नियत कर ली। बाय कब करनी है, कल करनी है, टुमारो करनी है, ठीक है। सो जो एक्शन जो होना है फ्यूचर में उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ गोइंग टू, आई एम गोइंग टू बाय सम बुक्स टुमारो। उसके बाद असलम इज गोइंग टू सेल हिज कार, असलम जो है उसने इरादा कर लिया है कि वो बेचेगा, ये भी इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द फ्यूचर टेंस, दैट असलम इज गोइंग टू सेल हिज कार, ओके। तो गोइंग टू यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि द एक्शन विच विल बी हैपनिंग इन फ्यूचर, ठीक है, उस फ्यूचर एक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द यूज ऑफ गोइंग टू। I am going to buy some books tomorrow. Aslam is going to sell his car. हम और examples करते हैं। Are you going to invite Ali and Zain? क्या आप उनको इनवाइट करेंगे, ठीक है, ये फ्यूचर एक्शन के लिए। आर यू गोइंग टू इनवाइट अली एंड जैन। उसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू, आई एम नॉट गोइंग टू हैव breakfast this morning, I am not going to have breakfast this morning. इसमें क्या है कि वो बता रहा है कि मैं नहीं करूँगा breakfast आज सुबह को, यानी अभी ये टाइम आना है, यानी फ्यूचर में जो उसने करना है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है विद द हेल्प ऑफ गोइंग टू। आर यू गोइंग टू इन्वाइट अली एंड जैन? आई एम नॉट गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट this morning, ठीक है। तो going to जो है it is representing the future action, future में जो काम होना है उसको ये represent कर रहा है going to, ठीक है। तो इस तरह से हमने represent किया future को by using going to। What are you going to wear to the party tonight? What are you going to wear
the party tonight? What are you doing? What are you going to wear? अब क्या पहनेंगे? Action for the future, ठीक है? Tonight अभी night आनी है, ठीक है? Evening अभी आनी है. What are you going to wear to the party tonight? ठीक है? इस तरह से हमने going to use किया to represent the future action, the action which is bound to happen in future, ठीक है? तो ये था going to, ठीक है? इसी तरह से हम अभी करेंगे, सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है उसमें हम कर सकते हैं यूज इसको फ्यूचर के लिए. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, यानी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज कर रहे हैं लेकिन जो मीनिंग होगा उसका वो होगा कि वो एक्शन कौन है, टू बी टू हैपन इन फ्यूचर, ठीक है? जैसे आई एम प्लेइंग टेनिस विद अहमद टुमारो. TOMOWROW. आई एम प्लेइंग टेनिस विद अहमद टुमारो. इसमें आई एम प्लेइंग टेनिस विद अहमद टुमारो. अब कल खेलना है, टुमारो कल है, ठीक है? लेकिन rather than using I will be playing tennis with Ahmed tomorrow, हम ये भी यूज कर सकते हैं. हम present continuous tense को भी यूज कर सकते हैं future action, कुछ happening show करने के लिए. अगर कोई happening होनी है, कोई future action होना है, future happen होना है, so we can say I am playing tennis with Ahmed tomorrow, कि कल मैं उसके साथ खेलूंगा. I am playing, ठीक है? तो it means am, first one ing, ये क्या है? Present continuous tense. But we are using here present continuous tense to tell something about the future happening. जो काम future में होना है उसको show करने के लिए, represent करने के लिए, describe करने के लिए हम help ले रहे हैं present continuous tense की. And we are showing the event of future, future happening. इसके कुछ और examples हम देखते हैं. Look at the sky. Look at the sky. यहाँ पे sign of exclamation है. It is going to rain. It is going to rain. ठीक है? तो यहाँ पे भी going to हमने use किया. यहाँ आप कह लेंगे ये first form और ing साथ is है. इसको present continuous tense भी कह सकते हैं, going to भी कह सकते हैं. But this we are talking about the future event. अभी क्या है, sky पे देखें, so there will be some clouds, okay? So you are saying that rain is about to happen, so it is going to rain. It is going to rain. ये show कर रहा है future incident का. Future, it is clear now that it is sure to happen. ठीक है, ठीक है? जब आपने देखा, so you are sure that clouds are there, so you are sure that it may rain. So you are saying, look at the sky, it is going to rain. It is going to rain mean future incident ko aap show kar rahe hain. It is going to rain, going to ka use karke, theek hai? Isi tarah se oh dear, it is 9 o'clock and I am not ready, I am going to be late. It is 9 o'clock now, ठीक है? I am not ready. आपको पता चल गया, आपको इंडिकेशन मिल गई, आसार मिल गए कि आप चुके रेडी नहीं हैं और टाइम जो है वो 9 o'clock हो गया, ठीक है? आपके 9 o'clock पहुंचना था, ठीक है? So आप कहेंगे I am going to be late. I am going to be late. मैं लेट हो जाऊंगा.
ठीक है। लेट कब होंगे? फ्यूचर, ये फ्यूचर को, फ्यूचर एक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर इंसिडेंट्स इन टर्म्स ऑफ गोइंग टू या इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके या गोइंग टू को यूज करके हमने फ्यूचर के जो इंसिडेंट्स हैं वो हमने डिस्क्राइब किए। वी डिडंट यूज विल बी शैल बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बट रादर इंस्टेड वी यूज्ड आइदर गोइंग टू आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू वियर टू द पार्टी टुनाइट? माय हैंड्स आर डर्टी, आई एम गोइंग टू वॉश देम। आई एम गोइंग टू वॉश देम। आई एम गोइंग टू वॉश देम, ठीक है। गोइंग टू, माय हैंड्स आर डर्टी, उसने अपने हैंड्स को देखा कि वो गंदे हैं, तो ये चीज़ कंफर्म हो गई कि उसको धोना है, ठीक है। तो उसने नियत की कि आई हैव टू, जो आई विल बी की बजाय आई विल बी का मतलब ही आई विल बी वॉशिंग हमने यूज़ नहीं किया। हमने वही चीज़ जो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग आई विल बी वॉशिंग देम, वी कैन से आई एम गोइंग टू वॉश देम, आई एम गोइंग टू वॉश देम। सो दिस इज हाउ वी यूज गोइंग टू आवर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट द फ्यूचर हैपनिंग्स, फ्यूचर इवेंट्स।